ये स्नेक मैन ऑफ इंडिया से जो केरला के रहने वाले हैं, इनका नाम बाबा सुरेश है। ये मुख्यतः किंग कोबरा जो दुनिया के जाने माने जहरीले सांपों में से एक है का रेस्क्यू करते हैं। ये काम 12 से 13 वर्ष की उम्र से ही करते आ रहे हैं। खास बात तो ये है कि ये इन कोबरा सांपों को पकड़ते वक्त किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करते हैं, ये अपनी हाथ की कला से ही इन सांपों को पकड़ते हैं। उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि किंग कोबरा के रेस्क्यू करते समय किंग कोबरा ने इन्हें 2 से 3 हजार बार भी काटा है, लेकिन इस जहर का बाबा सुरेश पर कोई असर नहीं होता। जानकारी के लिए एक लाइक तो